साथियों आपका स्वागत है जम्मू कश्मीर नाव में। आज हम बात करेंगे एक्सेशन डे यानी कि अधिमिलन दिवस के बारे में। एक्सेशन डे वो दिन था जिस दिन जम्मू कश्मीर का विलय औपचारिक रूप से भारत के अंदर हुआ, वह दिन था 26 अक्टूबर 1947 का। आज हम इस विषय में चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज़ादी के बाद पहली बार किसी भी सरकार ने जम्मू कश्मीर के विलय दिवस को या अधिमिलन दिवस को एक सरकारी छुट्टी के तौर पर घोषित किया है। हाल ही में जम्मू कश्मीर सरकार ने यह निर्णय लिया है। ये निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है और एक्सेशन डे हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इसको हम जल्दी से जानने की कोशिश करेंगे कुछ महत्वपूर्ण बातों के साथ। पहली बात, हम थोड़ा सा इतिहास में जाते हैं। जब भारत को आज़ादी मिली तो उससे पहले 25 जुलाई 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने सभी प्रिंसली स्टेट्स की एक मीटिंग बुलाई और उनसे ये कहा कि देखिए, या तो आप भारत में जा सकते हैं या पाकिस्तान में जा सकते हैं, आपके पास तीसरा ऑप्शन नहीं है। पहली महत्वपूर्ण बात यह है कि जो बार बार कहा जाता है कश्मीर के पास एक आज़ादी का ऑप्शन था, किसी भी स्टेट के पास आज़ादी का ऑप्शन नहीं था। उन्हें या तो भारत में जाना था या पाकिस्तान में जाना था। दूसरी बात, जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया गया वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन सभी स्टेट्स के लिए एक जैसा था। 550 से ज़्यादा प्रिंसली स्टेट्स थी, 550 से ज़्यादा रियासतें थी। जम्मू कश्मीर ने भी उसी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन किया। इसलिए जो ये नैरेटिव बिल्ड किया जाता है, जो ये बात कही जाती है कि जम्मू कश्मीर का जो है कुछ विशेष मामला था, ऐसा नहीं था। तीसरी बात ये कि ये भी कहा जाता है कि जब 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया और 26 अक्टूबर को 1947 को एक सेशन का इंस्ट्रूमेंट साइन हुआ, तो इतना डिले क्यों हुआ? महाराजा हरि सिंह शायद पाकिस्तान जाएं या भारत जाएं, ये बात सोच रहे थे। ये बात बिल्कुल गलत है। ऐतिहासिक तथ्य ये है कि महाराजा हरि सिंह भारत में आना चाहते थे, लेकिन जो जवाहरलाल नेहरू थे तब के प्रधानमंत्री, वह शेख अब्दुल्ला के समर्थक थे। वो चाहते थे कि महाराजा हरि सिंह पहले शेख अब्दुल्ला को एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर इंस्टॉल कर दे, सारी पावर उनको दे दें। जब तक वो ये करने को तैयार नहीं थे, पंडित नेहरू का सीधा मत था कि वो जम्मू कश्मीर का भारत में विलय नहीं होने देंगे। अंततः पाकिस्तान ने अक्टूबर में हमला किया जम्मू कश्मीर पर और उस समय महाराजा हरि सिंह ने शेख अब्दुल्ला को इंस्टॉल किया एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर। यहाँ मैं आपको ये बात बता दूं कि शेख अब्दुल्ला, जिन्हें शेर कश्मीर कहा जाता है, वो मूलतः बेसिकली पेपर टाइगर थे यानी कागजी शेर थे। वो लगातार 15 साल तक कम्युनल पॉलिटिक्स करते रहे। 1946 में जब उनको गिरफ्तार किया गया, 500 लोग भी उनके साथ नहीं थे और वो लगातार भारत विरोधी रुख जो है वो अख्तियार किए हुए थे, लेकिन वह पंडित नेहरू के खास थे। तो ये जो डिले हुआ, ये पंडित नेहरू की वजह से हुआ, ये महाराजा हरि सिंह की वजह से नहीं हुआ। वह हमेशा भारत के अंदर जम्मू कश्मीर का विलय चाहते थे। कुल मिलाकर बात यह है कि हमें इस अधिमिलन दिवस को मिलकर एक साथ जो है वो इस पर एक सेलिब्रेशन करने की ज़रूरत है और इस बात पर दोबारा जोर देने की ज़रूरत है कि जम्मू कश्मीर का भारत में जो विलय हुआ वह निर्विवाद था, वह लीगली मोरली यानी कानूनन और नैतिक रूप से भी पूरी तरह से जो है वो ठीक था, उसके ऊपर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता है। अगर कोई इस सवाल को उठाता है तो वो जाकर इन सभी दस्तावेजों को देख सकता है। ये सभी दस्तावेज नेशनल आर्काइव्स में मौजूद हैं। उम्मीद है कि आपको इस जानकारी से लाभ मिलेगा और जम्मू कश्मीर पर और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपने हमें सुना और समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।